हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले मैं 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूँ। जैसा कि अब आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है EMRS और BPSC दोनों के लिए, और दोनों का डेटा आपका क्लियर ही है, जैसा कि आप अब एकदम एग्ज़ाम जो है आपका नज़दीक ही है और फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हूँ, सभी के लिए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी चैप्टर की टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। 60 से 70 वीडियोज हैं, तो सभी को प्रैक्टिस करते रहिए। 14 प्रैक्टिस सेट में 12वां प्रैक्टिस सेट है, 2 प्रैक्टिस सेट और आएगा आपका। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं समय नष्ट न करते हुए, क्योंकि समय का बहुत ही महत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है 29 हड्डियाँ होती हैं। जो हमारे क्रेनियल बोन होती है कितना होती है? 8। 14 आपकी फेसियल बोन होती हैं, कान की 6 होती हैं, एक हायर बोन होता है, कुल 29 होता है। तो यहाँ पे 28 ही दिया है तो 28 राइट होगा, 22 दिया रहा है तो 22 राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन ओलंपिक में खेलों के विजेता को क्या इनाम दिया जाता था? तो जैतून के पत्तों के बना मुकुट दिया जाता था। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षक के लिए अद्वितीय था? तो धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया है? तो उन्होंने प्रेरणा, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कारक, ट्रेन एबिलिटी सुझाया था, बट सामाजिक चर उन्होंने नहीं सुझाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक से संबंधित है, आर्टिस्टिक एंड एरोबिक्स, ट्रम्पोलिन ये सब जिम्नास्टिक के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फेंकने से जुड़ी स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है? तो वक्ष पेशी जो होती है, बृहद पेशी जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में कहा जाता है पेक्टोरोलिस मेजर, जिसे थ्रोइंग मसल्स बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, कैंप फायर समिति होती है तो शिविर में होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है? तो दोस्तों, किडनी की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, जिसके ग्लोमेरुलस रूलस में रक्त का फिल्टर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, जिम्नास्टिक खेल में फर्श पर करतब दिखाने वाली जगह का माप कितना होता है? तो 12×12 मीटर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो कान की स्टेपीज, और सबसे लंबी आभारी फीमर, सबसे मजबूत जो होता है आपके मैंडिबल, निचला जबड़ा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? तो 1932 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन कब किया गया? और किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। और एशियाई खेल नाम किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और एशियाई खेल का पितामह किसे कहा जाता है? GD सोधी को। एंड एशियाई खेल द्वारा एशिया में कब हुआ था? 1982 नई दिल्ली में। एंड 2023-22 वाला हुआंगजू चीन में, भारत ने कितना पदक जीता है? 107 पदक। भारत का स्थान कौन सा है? 4th स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? तो ग्रीस के स्पाइरास समारास कोस्टिम पलामास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? यह महाराष्ट्र मुंबई में है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था दोस्तों? तो थांडाइक ने दिया था, याद रखिएगा, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी थांडाइक ने, रिस्पांस स्टिमुलस SR का सिद्धांत थांडाइक, RS का सिद्धांत बोलेगा तो स्किनर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन क्या है? तो आप सबको पता है, इससे विटामिन डी होता है, जो तो हमारी जो स्किन होती है विटामिन डी का प्रयोग करके, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके विटामिन डी का निर्माण करती है। लेप्रोसी क्या है? कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहते हैं, इसे हैंसेस डिजीज भी कहा जाता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है? तो मेडिकल जिम्नास्टिक के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है? दोस्तों 90% पानी होता है, 8% आपका प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ए प्रोटीन पाया जाता है आपके प्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? तो विटामिन के। क्या होता है हेमरेज? हमारे शरीर में नस फट जाती है, जो
ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ज्यादातर हमारे ब्रेन में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओलंपिक झंडे के छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो ओलंपिक झंडे में 5 छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, तो ये महाद्वीप को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं? तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति में 2 संरचना, लीन बॉडी मास एंड फैट बॉडी मास, यानी दुबला पतला शरीर यानी लीन बॉडी मास, मोटा शरीर यानी फैट बॉडी मास, ये 2 आपके सम्मिलित होते हैं, तो 1 और 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा स्रोत क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है नींबू के वंश, तो आपके सी हो जाएंगे, तो यहाँ पे खुबानी जो है विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो 7.74 मीटर लंबा एंड 1.525 मीटर चौड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महिलाओं के लिए हैमर थ्रो जो है, महिलाओं के लिए हैमर थ्रो ठोस गोलायुक्त लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो जिस जो हैमर थ्रो होता है उसका जो पुरुष महिला के लिए, तो 7.26 किलोग्राम होता है और महिला के लिए कितना होता है? 4 किलोग्राम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय कौन होता है? तो IOA करेगा, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ। लेट शब्द किस खेल में संबंधित है दोस्तों? तो टेबल टेनिस में, यहाँ पे टेबल टेनिस हो जाएगा, टेबल टेनिस में लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों आप जो भी सीखे हैं या आपको याद है, तो मान लीजिए आप सीखे हैं, तो याददाश्त यहाँ पे जो है सीखने का पर्यायवाची के रूप में लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वामित्व अभिग्राहक कहते हैं, यानी कि प्रोप्रायोसेप्टर्स, जो पेशियों, संधियों, कंडराओं, स्नायु आदि में स्थित संवेदी तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र व नग्न छोर इसमें स्थित होते हैं और ऐसी ऐच्छिक गतियों, तनाव, खिंचाव, संतुलन, दबाव आदि के कारण उत्पन्न अंतःउद्दीपनों को ये सब ग्रहण करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? तो तालबद्ध, जो रिदमिक क्रियाएं होती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है, किन्सियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किन्सियोलॉजी का संबंध किससे है? तो किन्सियोलॉजी, किन्सिस प्लस लोगस, दो शब्दों से बनकर बना है, किन्सिस मतलब गति, लोगस मतलब अध्ययन, यानी गति का अध्ययन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मानव क्रियाओं से है, यानी गतियों से है। क्वेश्चन नंबर 33 है, फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन गतिविधि मूवमेंट प्रदर्शित होती है? तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोष्ठ बद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या होता है? तो पानी की कम मात्रा लेने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, बारावती स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो कटक उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 3.05 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1894 में बैरन पियर डी कुबर्टिन ने किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, कीचड़ स्नान कहाँ पे प्रचलित था? तो एथेंस में। क्वेश्चन नंबर 39 है, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त का प्रवाह बढ़ता है किस तरह? स्केलेटल मसल्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है तो हार्ट मसल्स के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स, यानी ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मसल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है, मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है। तो दोस्तों पहले यह पाचन तंत्र में सहायक करता था, बट एक अवशेषी अंग के रूप में होता था, बट यह समाप्त हो चुका है, अब यह पाचन तंत्र में कोई योगदान नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है।
जिसमें आरएनए और डीएनए पाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है, रेडियस अल्ना अस्थि किस अंग में स्थित होते हैं, तो अग्रबाहु यानी कि फोर आर्म में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होता है, कहाँ पे होता है, वसा जो है ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड एंड के रूप में एडिपोज टिश्यू के नीचे जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 46, हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितनी बार रक्त को फिल्टर करती है, तो दो बार प्रत्येक घंटे में। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है, कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार में क्या होना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है इंडोर गतिविधियों में, आउटडोर गतिविधियों में, चलचित्र में, इन तीनों में होता है, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी किसकी होती है, तो स्वास्थ्य आपका है तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी, यानी कि व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हॉकी खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो 100×60 गज होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 11 से 14 वर्ष के आयु के विकास और वर्धन के काल को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे प्री एडोलेसेंस, यानी कि यहाँ पे 11 से 14 वर्ष की बात कहा है, तो प्री एडोलेसेंस यहाँ पे हो जाएगा, तो एडोलेसेंस पे आप लगा सकते हैं, यानी कि किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ अवस्थित है, तो पटियाला में स्थित है, कहाँ पे है, पटियाला में, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया था, यूनिसेफ से किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 54 है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है, तो किससे संबंधित है इंदिरा गांधी गोल्ड कप, हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 55 है, वे दो खेल जिनके प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो, कबड्डी और हैंडबॉल, ये है जिसमें प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है, 2.43 मीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ पे आपको एक सूची से दूसरे से मिलान करना है 57 को, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओलंपिक खेल 2004 कहाँ पे हुआ था, एथेंस में, ये मिला राइट है ए। 2002 कहाँ पे हुआ था, सिडनी में। राष्ट्रमंडल खेल 2002 मैनचेस्टर में। राष्ट्रमंडल खेल 1998 कुआलालंपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है, तो वो होता है आपका एनसीटीई। एनसीटीई के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को मान्यता दी जाती है, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसकी स्थापना आपका 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 है, एशियाई खेलों को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है, जैसे ओलंपिक खेलों को नियंत्रित करती है आईओसी, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसी तरह एशियाई खेलों को नियंत्रित करती है ओसीए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 60 है, क्रिकेट बैट की ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है, तो 4.25 इंच होता है, तो यहाँ पे 4.5 इंच आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है, तो ताकत से, लचीलेपन से, सामान्य शारीरिक सहनशक्ति से, तो उपरोक्त सभी से आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो कि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है, जो कि बच्चे को उसके अभिभावकों एवं दूसरे द्वारा सिखाई जाती है, तो नैतिक बात की बात, नैतिक मूल्यों की जहां पे बात आएगी, सुपर ईगो होगा, इड ईगो, सुपर ईगो। मन को 3 भागों में बांटा था फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 63 है, 10 टीमों के डबल लीग प्रतियोगिता प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो लीग टूर्नामेंट दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n(n-1)/2, और डबल लीग में n(n-1), तो 10 10-1, यानी कि 10×9 10×90, यानी कि 90 मैच आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर
64 है, लीग प्रतियोगिता में नियत तिथि यानी फिक्स्चर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है, क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाय नहीं दिया जाता और भाग लेने वाले टीमों की संख्या विषम या सम होने की समस्या नहीं होती है। तो फिक्स्चर लीग प्रतियोगिता में फिक्स्चर जाने की तीन विधियां हैं, साइकिल, टेयर, टेबुलर एंड स्टेयर केस मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेयर केस मेथड। क्वेश्चन नंबर 65 है, हॉकी में पुश पास कब दिया जाता है, जब सहयोगी खिलाड़ी कितना दूर पर खड़ा हो, थोड़ी दूर पर जब खड़ा हो यानी कि 10 से 15 मीटर पर। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में सबसे प्रथम किस संस्थान ने मनोरंजन के लिए एमए डिग्री की आरंभ किया था, तो वह था आपका LNCPE ग्वालियर यानी कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किसने किया था, तो डॉक्टर जीडी सोधी ने किया था, जिन्हें एशियाड का पितामह भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है, तो नृत्य, संगीत, नाटक है, टीवी आपका आधुनिक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक को क्या कहा जाता था, तो तीरंदाजी शिक्षक को टेक्सोटॉज बोला जाता था, भाला प्रयोग करने वाले शिक्षक को एकोनोटिस्टिस बोला जाता था। एंड क्वेश्चन नंबर 70 है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, इसमें तो गाजर है। एंड क्वेश्चन नंबर 71 है, एक लंबी दूरी के धावक के खुराक में सबसे अधिक मात्रा क्या ग्रहण करना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 72 है, मधुमेह यानी डायबिटीज में खराबी किसमें खराबी आने से होता है, तो पैंक्रियाज में खराबी होता है, तो इंसुलिन का कम निर्माण होता है और जिससे कमी से इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, फॉरलेग शरीर में क्या विकसित करता है, तो फॉरलेग ट्रेनिंग मेथड जो है एंड्योरेंस यानी सहनशीलता को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में का राष्ट्रीय खेल है, तो आप सबको पता है भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 75 है, छोटे बच्चों के भोजन में अधिक मात्रा क्या होना चाहिए, तो जो छोटे बच्चों को शरीर निर्माण की आवश्यकता होती है, तो शरीर का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन, तो प्रोटीन की आवश्यकता छोटे बच्चों को ज्यादा होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 76 है, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई आपका 18 मीटर और चौड़ाई जो है 9 मीटर होता है, तो 18×9 मीटर आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है परिवार से। एंड क्वेश्चन नंबर 78 है, ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में है, तो ओलंपिया शहर यूनान यानी ग्रीस में है। एंड क्वेश्चन नंबर 79 है, व्यक्ति की लंबाई मापक उपकरण है, तो लंबाई मापे का उपकरण है स्टेडियोमीटर, क्या है, स्टेडियोमीटर से लंबाई या ऊंचाई मापा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है, तो कौन है, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश 1957 में इसकी स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस प्रकार का प्रशिक्षण यानी वर्कआउट मांसपेशी के आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है, वह होता है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है मांसपेशी के आकार और शक्ति को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन एनाबोलिक स्टेरॉइड का उदाहरण है, तो एनाबोलिक स्टेरॉइड सीधे आपको पेशियों पर प्रभाव डालती है, पेशियों की शक्ति में असीम वृद्धि कर देती है, तो इसका है स्टेनोजोल इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 83 है, शरीर गर्माना करता है, तो यानी शरीर गर्माना यानी वार्मिंग अप क्या करता है, तो शरीर के तापमान को 1-2% बढ़ा देता है, जबकि मसाज जो है 2-3% बढ़ा देता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, खो खो के खेल में एक खंभे से दूसरे खंभे तक की मानक दूरी कितनी होती है, तो वर्तमान में मानक दूरी जो है एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच 24 मीटर होती है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब वर्तमान में 27×16 मीटर लंबाई चौड़ाई होती है एंड जो पोस्ट होती है क्रॉस लाइन फ्री जोन 1.50×16 होता है एंड पोस्ट लाइन से पहले क्रॉस लाइन 255 सेंटीमीटर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 85 है, सभ्य दृश्य साधन अध्यापक की सहायता करते हैं, क्योंकि क्या होता है, दृश्य सभ्य साधन से जो है जो हम पढ़ाते हैं सिखाते हैं तो वह इसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, जब एक ढांचे का हिस्सा फट जाता है परंतु शरीर के साथ जुड़ा रहता है तो वह क्या कहलाता है, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं एवल्जन। क्या कहते हैं, उसे एवल्जन बोला जाता है।
एंड क्वेश्चन नंबर 87 है, एशियाई स्नूकर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? तो एशियाई स्नूकर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी है यासीन मर्चेंट। क्वेश्चन नंबर 88 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है जिसकी शुरुआत 1985 से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो वो होता है आपका विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस दोनों होता है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 90 है, संतुलित आहार में होना चाहिए? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये सभी चीजें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 है, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण हो सकता है? तो आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठा पाने से फ्रस्ट्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, पैंक्रियाज स्थापित करता है? पैंक्रियाज जो है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें से इंसुलिन स्थापित करता है। इंसुलिन जो है पैंक्रियाज के लैंगरहंस दीपिका के बीटा कोशिका से स्थापित होता है जो उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बदलता है, इसी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? तो 5/1/2 औंस से 5/3/4 औंस यानी 155 से 163 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज यानी 66 फीट होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, आप एक घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं परंतु उसे पानी पिलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यह ठंडाई के सीखने के किस नियम से संबंधित है? तो जब तक घोड़ा तत्पर नहीं होगा तो हम कितना ही प्रयास करेंगे वो पानी नहीं पिएगा, इसका मतलब यह तैयारी का नियम या तत्परता का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे तैयारी के नियम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 96 है, शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार एक अच्छी समय सारणी में क्या होता है? तो अच्छी समय सारणी अगर होता है तो शिक्षक के नियमबद्ध और नियमित कार्य की बाध्यता हो जाती है, इतने समय पर आना है, इतने समय पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1926 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्राणायाम से क्या तात्पर्य है? तो प्राणायाम, प्राण आयाम, प्राण किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन को। तो यह श्वसन यानी श्वसन को नियंत्रण करना ही प्राणायाम होता है, यहाँ पे श्वसन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग परिभाषित शब्द जो कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है का अर्थ है कि वह ऊर्जा की मात्रा जिसको हम कर सकते हैं, तो जिसको हम अपने मांसपेशियों में जमा कर सकते हैं, यह एंड्योरेंस वाले क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो चेकमेट शब्द किस खेल से रिलेटेड है? चेकमेट है शतरंज से रिलेटेड, गुगली है क्रिकेट से रिलेटेड, बाइसिकल किक है आपका फुटबॉल से रिलेटेड, एंड डेक शब्द है हॉकी से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर 4 डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसका शुरुआत 1991-92 से हुआ था। वर्तमान में इसमें 25 लाख धनराशि पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? तो शक्ति सहनशीलता यानी कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का जमा होना। क्वेश्चन नंबर 105 है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है सुब्रतो कप? फुटबॉल से संबंधित है, यह अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.067 मीटर होता है, जबकि 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई 0.84 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सेंट्रल लाइन। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 108 है, आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ सकते हैं? तो सीटिंग ब्लॉक में बैठते हैं जो
आपका इन लाइन से 2 मीटर पीछे होता है सीटिंग ब्लॉक, और जो 1x8 मीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, ईसीजी सूचक है, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हृदय की हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक होता है ईईजी इलेक्ट्रोइंसुफेशियोग्राफ, जो मस्तिष्क संबंधी असमानताओं का पता लगाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो दोस्तों लोगों के आम स्वास्थ्य सुधार हेतु इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 111 है, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का भाग नहीं है, तो स्वास्थ्य निर्देश देना, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य निरीक्षण है, पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से क्या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना, साफ सफाई, स्वच्छता, रोग उपचार है, बट कैरियर संबंधी परामर्श नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 है, सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है, क्या है, तो एक स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक शैक्षिक खेल का शैक्षिक केंद्र है, तो शैक्षिक केंद्र के अंतर्गत आपका नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान एंड लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन आता है, जिसमें से ये प्रशिक्षण के लिए होता है, नेताजी सुभाष कोचों को प्रशिक्षण या खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, एंड जो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो शारीरिक शिक्षा में स्नातक कराता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था, तो 1961 में किया गया था, जिसमें वर्तमान में 15 लाख धनराशि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, इश्रम सुखम आसनम किसकी परिभाषा है, तो आसन की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 117 है, विद्यार्थी समानता बेहतर सीखते हैं, तो बेहतर कब सीखेंगे, जब उनको जो लगातार क्रिया करा रहे हैं, यदि उसमें यदि संक्रेंदित मानसिक कार्य के बाद कार्यकलाप में एक परिवर्तन किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर सीखते हैं, उबर महसूस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 118 है कि लंबी कूद में टाइम ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है, तो दोस्तों पहले के निष्पादन पर विचार किया जाने चाहिए, या तो अगले बेस्ट निष्पादन में विचार करना चाहिए। अगर टाइम ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले के निष्पादन में विचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 है, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है, तो 50x25 मीटर वर्तमान में होता है, तो 50 मीटर लंबाई होती है, चौड़ाई 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 120 है, वॉलीबॉल कोर्ट का आकार होता है, तो 9 मीटर चौड़ा और 18 मीटर लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, एक बास्केटबॉल का भार कितना होता है, तो 567 से 650 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो जैसे खेलने वाले खिलाड़ी 5 होते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं, कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कितने होते हैं, 7 होंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है, तो एक राउंड की अवधि 3 मिनट की होती है, तो बॉक्सिंग में 3 राउंड होता है 3-3 मिनट का, और प्रत्येक राउंड के बाद 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, और बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अधिकतम 35 वर्ष की आयु के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं, तो 8 क्रॉस लेन होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 125 है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, जोड़ों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का 125 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, एंड डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।